हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए पटल के ऐसी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप पहली बार ही देखेंगे। मैंने इसे कैसे बनाया है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो परवल की सब्जी बनाने के लिए मैंने 6 परवल लिए हैं, आप चाहे जितना भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने परवल के जो हरे भाग को है उसे मैंने चाकू से उतार लिया और परवल को मैंने धो के रख लिया है। अब सबसे पहले हम इस कद्दूकस से सारे परवल को कद्दूकस करेंगे। तो सारे परवल को हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि मैंने इसे बारीक वाला से कद्दूकस करके रख लिया है। तो परवल को मैंने कद्दूकस करके रख लिया है। अब मैंने 4 ये हरी मिर्ची है लेकिन पक गई है, इसे हम तोड़कर मिक्सर में डाल देंगे। और 4 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा अदरक, इसे हम सबसे पहले पीस लेते हैं। और इसमें 1 छोटा टुकड़ा प्याज का डालेंगे। तो मैंने अदरक लहसुन और मिर्ची को थोड़ा दरदरा पीस लिया है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इस पेस्ट को मैंने एक बर्तन में निकाल लिया है। अब जो मैंने परवल को कद्दूकस करके रखा था उसे भी हम इसमें डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसमें हम 1 चम्मच तेल डालेंगे। इसे हम आगे हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसे मैंने हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन डालेंगे। इस सब्जी को एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, यह बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और सभी को बहुत ही पसंद आएगा। इसमें हम अपनी जरूरत के अनुसार बेसन मिलाएंगे। हम इसमें बस इतना ही बेसन मिलाएंगे। मैंने यहाँ 1 कटोरी बेसन लिया था जिसमें से मेरा 1 चम्मच जैसा बेसन बच गया है। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने 1 प्लेट में आगे से ही तेल लगा के रखा था। अब जो मैंने परवल और बेसन को जो मिक्स किया है उसे हम 1 प्लेट में इस तरह से लगा देते हैं। इसे हम अच्छी तरह से फैला देते हैं। तो मैंने इसे प्लेट पर अच्छी तरह से फैला दिया है। अब मैंने कढ़ाई में आगे से ही 1 कटोरी जैसा पानी डाल दिया था। अब इसमें हम थोड़ा सा प्याज, मैंने मीडियम साइज को प्याज को काट के रखा था, इसे अब इसमें हम डाल देते हैं। 4 से 5 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 4 से 5 सूखी मिर्च और 2 छोटी इलायची, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 3 से 4 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च। इन सभी को हम पानी में डाल देते हैं। और मैंने 1 टमाटर को इसी तरह रफली कट कर लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देते हैं और इसे हम एक बार चला लेते हैं। अब इसी में हम 1 स्टैंड रख देंगे और जो मैंने परवल का जो मिश्रण रखा था उसे हम इसमें रख देते हैं ताकि हमारी टमाटर भी अच्छी तरह से पक जाएगी और ये जो है हमारा स्टीम हो जाएगा। अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो 5 मिनट हो चुके हैं, हम चेक कर लेते हैं। चाकू की सहायता से हम देख लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारा अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब इसे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। अब हम इस स्टैंड को निकाल लेते हैं और ये जो मैंने प्याज टमाटर रखा है इसे हम निकाल लेते हैं और इसे हम पीस लेते हैं। कटोरी में निकाल लिया है और इसे ठंडा करके हम पीस लेते हैं। तो मसाले को मैंने महीन पीस लिया है, अब इसे हम एक साइड में रखते हैं। और इधर जो हमारा परवल है वो भी ठंडा हो चुका है, अब इसे हम पीस पीस में कट कर लेते हैं। आप अपने अनुसार छोटा या बड़ा कट कर सकते हैं। तो कढ़ाई में मैंने पहले से ही तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया था। अब जो मैंने पीस कट करके रखा था उसे हम 1-1 पीस में डाल देंगे। इसे हम हल्का हल्का दोनों तरफ से लाल होने तक सेकेंगे। सीख गया है, दूसरी तरफ से भी हम इसे हल्का सा सेक लेते हैं। 1-1 कर इस तरह से हम सारे को पलट लेते हैं। एक बार इस रेसिपी को जरूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, यह बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है और सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो देख सकते हैं कि हमारा ये अच्छी तरह से सीख गया है। अब हम सबको निकाल लेते हैं।
मैंने इसे फ्राई करके निकाल लिया है। अब कढ़ाई में जो तेल बचा हुआ है उसी में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़े से मेथी के दाने। ये हमारे अच्छे से चटक गए हैं। अब इसमें हम एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक कट कर रखा है उसे भी हम इसमें डाल देते हैं और इसे हम हल्का सा भूनेंगे। तो देख सकते हैं कि हमारा प्याज जो है अच्छे से भून गया है। अब जो मैंने टमाटर प्याज को पीस कर रखा था उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसी में हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ग्रेवी के लिए थोड़ा सा नमक डालेंगे क्योंकि मैंने पटल में आगे से ही नमक डाला था। एक चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे और मैंने आगे भी मिर्ची पीसा था, इसमें सिर्फ मैं कलर के लिए थोड़ा सा काश्मीरी मिर्ची डाल रही हूँ और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। तो मसाले जो है हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा कस्तूरी मेथी डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम जरूरत के अनुसार पानी डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब जो मैंने परवल को फ्राई करके रखा था अब उसे भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि हमारी परवल की सब्जी जो है बनकर तैयार हो चुकी है और यह देखने में कितना सुंदर लग रहा है। जितना देखने में सुंदर लग रहा है उतना खाने में भी यह टेस्टी है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।